नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला आलिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीनल मुकरमीन व औलियाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही वल उलमाएल आमिलीन व अलैना माहुम अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़िरात और सामीन व सामिआत और जमी उलमाए कराम, असातिज़ाए इज़ाम, तलबा और तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अक़ाइद सहीहा के मौजू पर अपनी सिलसिलावार गुफ्तगू के तहत उस मेथोडोलॉजी पर रोशनी डाल रहे हैं, उस शरी और दीनी उसूल, कायदा और कुलिया और ज़ाबिता पर रोशनी डाल रहे हैं, जिससे एक आम मुसलमान को ये समझने में सही मदद मिल सके कि कुरान और सुन्नत की कौन सी ताबीर और तशरीह दुरुस्त है, कौन सी गलत, अक़ायद के बाब में किसकी ताबीर, तशरीह और तोज़ीह सही है, दुरुस्त है और किसकी ना दुरुस्त और गलत और बातिल। ये पैमाना सही और गलत की तमीज़ के लिए दुनिया के हर इल्म, हर फ़न, हर सब्जेक्ट में होता है और बहुत सी साइंसेज में फार्मूलाज होते हैं ऐसे, मैथमेटिक्स में भी ऐसे फार्मूलाज होते हैं और दीगर साइंसेज में ऐसे कुल्लियात, ऐसे उसूल, ऐसे बदीही ज़ाब्ते होते हैं जिन पे इंसान परख सकता है सही और गलत को। सो इसी तरह का ज़ाब्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भी मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की सूरत में अता किया है। अगर हम उस ज़ाब्ते की पैरवी किए बग़ैर अपनी मर्ज़ी से कुरानी आयात की मन मानी तावीलात शुरू कर दें और अक़ायद की अपनी तबीयत के और रुझान के मुताबिक अपनी तशरीहात शुरू कर दें और हर कोई इस बात पे इसरार करे कि जो मैं कह रहा हूँ ये दुरुस्त है, मेरी तशरीह हक है, मेरा कहना ही दरअसल कुरान का सही नुक्ता नज़र, यह कुरान का मौक़िफ़ है। वह अब अल्फाज दीगर हर शख्स, हर मुद्दई, हर आलिम, हर ख़तीब, हर मुबल्लिग ऐसी बात करके गोया ये कहना चाहता है कि मेरी बात ही कुरान की बात है, मेरी बात ही असल इस्लाम की सही तालीम है। तो इससे बात नहीं बनती, इससे सिवाय तफरका के, इंतशार के और गुमराही पर मबनी बेशुमार धड़ों पे के और कुछ नसीब नहीं होगा और ये हमारा हशर हो रहा है। सो हमें अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को नज़रअंदाज करके, फेंक कर अपनी अना को, अपनी मन मानी तशरीह और ताबीर की ख्वाहिशात को सरनिगू करना होगा कुरान के सामने, अल्लाह और उसके रसूल के सामने, दीन के दिए हुए किसी उसूल, कायदे और ज़ाब्ते के सामने हमें सरेंडर करना होगा। और इस्लाम नाम ही सरेंडर करने का है। अगर हम दीन के अता करदा कायदे और ज़ाब्ते के सामने सरेंडर कर लें फिर हम गुमराही के बहुत से इम्कानात से बच जाते हैं। सो इस ज़ाब्ते की तशरीह करते हुए पहला नुक्ता जो हमारे इस वक्त ज़ेर बहस है, जिस पर कल तफसीली बात हुई पिछली नशिस्त में, मेरी मुराद ये है और आज उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ये कहना कि सिर्फ़ कुरान हुज्जत है, यह महज कुरान ही काफ़ी है और हम कुरान के सिवा किसी और शय को हुज्जत नहीं मानते, यानी सुन्नत रसूल को भी और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुज्जत नहीं मानते। उनकी हैसियत तारीख़ी है, उनकी हैसियत एक रिकमेंडेशंस की है, उस दौर के हालात के मुताबिक एक रहनुमाई की है। हदीस नबवी और सुन्नत नबवी की हैसियत बाइंडिंग फोर्स की नहीं है, एक फंडामेंटल सोर्स इस्लामी तालीमात और शरी तालीमात और अकायद और अहकाम का नहीं है, उस तरह जैसे कि कुरान मजीद की आयात हैं। सो ये कहना मैंने वाजे किया था पिछली नशिस्त में कि इट सेल्फ कुफ्र है और इल्हाद है और ख़ुद इनकार कुरान है। इस पर कुरान मजीद के मुख्तलिफ दलाइल देते हुए और कई आयात करीमा उनका हवाला देते हुए मेरी पिछली नशिस्त की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दो चीज़ें ऐसी गिनवाई हैं जिनका ज़िक्र करके उन्हें अपना एहसान अज़ीम, बहुत बड़ा एहसान डिक्लेयर किया है और ख़ुद फरमाया है कि ये मेरा तुम पर एहसान है। उनमें एक चीज़ बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, विलादत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबुवत और रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वह हुजूर की ज़ात अक़दस का मबूस होना। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाम लेकर फरमाया कि तुम पर यह मेरा एहसान है। अल्लाह ताला हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों एहसानात करता है, ला तेदाद बेहिसाब व किताब एहसानात करता है अपने बंदों पर, अपनी मखलूक़ात पर, और उसकी रबूबियत नाम ही इन्हीं एहसानात की कसरत का है। मगर वो एहसान करके ख़ुद एहसान जितलाता नहीं, ये नहीं फरमाता कि मैंने तुम पर यह एहसान किया है, सिवाय दो चीज़ों के। एक, हुजूर अलैहि सलाम को मबूस किया हमारे अंदर, फरमाया मिन अनफुसिहिम, लोगों के अंदर मुआशरे में पैदा किया कि हुजूर उन पर आयतें तिलावत करते हैं, उनके नफूस का तज़किया फरमाते हैं, फिर उन्हें किताब की, कुरान की तालीम देते हैं और फिर हिकमत की, और हिकमत आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत भी है और दीगर रुश्द व हिदायत के लिए दानाई भी है, उसकी तालीम देते हैं। तो फरमाया कि ये जो मैंने रसूल आखिरुज़ ज़मान तुम्हारे अंदर भेजा है, ये तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने अहले ईमान पर, अल्लाह ने अहले ईमान पर बड़ा एहसान फरमाया है कि उनके अंदर अपने महबूब रसूल आखिरुज़्ज़मा को मबूस किया। एक ये आयत हो गई। अब दूसरे मुकाम पर मैंने कहा कि ईमान को एहसान डिक्लेयर किया है। अब इन दोनों का जिक्र करके आगे मैं कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ, उस तरफ लाऊंगा आपको। अब दूसरा मुकाम जो कोट कर रहा हूँ वो सूरह अल हुजूरात से है और उसकी आयत नंबर 17 है। उसमें इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आराब अहल मदीना गिरदोनवा है मदीना में रहने वाले, ये आप पर एहसान जितलाते हैं कि वो इस्लाम ले आए, यानी इस्लाम कबूल करके वो आए। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर एहसान जितलाते हैं, कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि अपना इस्लाम लाना इसे मेरे ऊपर एहसान ना गर्दानो। ला तमन्नु मना कर दिया, ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो ये मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मुझ पर एहसान ना जितलाओ। अब फरमाया बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हें ईमान अता किया, तुम्हें ईमान तक रसाई दी है, ईमान की दौलत दी है। तो तुम्हें ईमान की दौलत देना ये अल्लाह का एहसान है, ये ईमान तुम पर, तुम्हारा एहसान नहीं है, तुम्हारा ईमान लाना अल्लाह का एहसान है तुम पर। तो आपने देख लिया कि दो चीज़ों का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि ये अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया है। एक, ईमान लाए हैं जो लोग, उन्हें बता दिया कि ये ईमान की दौलत तुम पर अल्लाह का एहसान है। और उससे कबल, उससे पहले इरशाद फरमाया कि मैंने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तुम में मबूस फरमाया, ये मेरा तुम पर एहसान है। जब दोनों चीज़ें एहसान हो गईं, ईमान भी एहसान हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद और आपकी बेअसत मुबारक वो भी एहसान हुई। अब आगे चल के मैं बताना चाहता हूं कि आइए देखिए इन दो में से बड़ा एहसान कौन सा है। वो लोग जो कहते हैं कि हम रसूल की सुन्नत को हुज्जत नहीं मानते, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को हुज्जत नहीं मानते, हुजूर इस्लाम का फरमान सुन्नत और हदीस हुज्जत नहीं है, फ़कत कुरान हुज्जत है, वो किस ईमान के ऊपर दावेदार हैं, किस ईमान पर घुमंड कर रहे हैं, किस ईमान के दावे के मुगालते में हैं। हत्ता के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह का एहसान और ईमान भी अल्लाह का एहसान, और दोनों का मुवाजना करते हुए बताना चाहता हूं कि इनमें बड़ा एहसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप पूछ सकते हैं कैसे, उसका जवाब कुरान देता है। अब सूरह आले इमरान की आयत नंबर 193 मुलाजा फरमाइए। इरशाद फरमाया कि हम ईमान कैसे लाए, सहाबा कराम ईमान कैसे लाए, उम्मत मुहम्मदी का हर फर्द जो मोमिन बना उसे ईमान तक रसाई अल्लाह ने दी, मगर कैसे दी। इरशाद फरमाया गया रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। आल इमरान आयत 193। हम ईमान ऐसे लाए कि कुरान मजीद ने कहा कि मोमिन बोलते हैं अल्लाह के हुजूर के, ऐ हमारे रब, तूने एक मुनादी भेजा, एक नबी, एक रसूल, एक पैगंबर भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हक की तरफ निदा देने वाला, ईमान की तरफ बुलाने वाला, तेरी तरफ पुकारने वाला, निदा देने वाला तूने भेजा। उसने आवाज़ दी, हमें बुलाया, हमें पुकारा, हम सोए हुए थे, झंझोड़ कर हमें बेदार किया, और हमने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी दावत सुनी। युनादी लिल ईमान, वो ईमान की निदा दे रहा था, वो ईमान का सौदा बेच रहा था, वो ईमान की दौलत हाथ में लिए अता करने के लिए बुला रहा था। कौन है इस ईमान का सौदे को खरीदने वाला, कौन है इस ईमान का खरीदार, कौन है इस ईमान का तलबगार, कौन है जो इस ईमान की राह पे आने वाला है। युनादी लिल ईमान, ईमान की निदा दे रहा था। अन आमिनू बिरब्बिकुम, और ये फरमा रहा था कि लोगो आओ, अपने रब पर ईमान लाओ। आप देखिए एक आयत में रिपीटेडली कितनी बार एक ही नुक्ते पर जोर दिया गया है। रब्बना इन्नना समिअना, ईमान कबूल करने में हमारा कोई दखल नहीं है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारा कोई तुर्रा नहीं है, हमारी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हमारा पर्सनल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वी आर नथिंग एंड वी वर नथिंग। हम तो सोए हुए थे, ख्वाब गफलत में थे, हमें क्या खबर थी कि ईमान क्या है। और बारी ताला तुझे तो हम जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, न तेरी आवाज़ को हम सुनते थे, न तेरे भेजे हुए फरिश्ते को हम देखते थे, न उसकी वही को सुनते थे, न उसकी आवाज़ को सुनते थे। हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि तेरे साथ हमारा रब्त हो सुनने का, देखने का। हम पैकराने बशरियत, इस मादी जिस्म के लोग, गुमराही में, जलालत में, जहालत में, बेखबरी में, ख्वाब गफलत में, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में भटके हुए पड़े थे। तूने हम पर वो पहला एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, वो पहला एहसान किया कि तूने रसूल भेजा हमारी तरफ, हम ही में से। और हम ही में से भेजकर फिर ये भी एहसान किया कि हम में से भेजा, ताकि हम उसको जान सकें, पहचान सकें, देख सकें। हम 40 बरस से उनको देखते थे, उनका बचपन हमारी निगाहों के सामने था, उनका लड़कपन सामने था, जवानी सामने थी, उनका ख़ानदान सामना था, उठना बैठना सामने था, उनका कलाम व सुकूत सामने था, उनका हर अखलाक और मामला हमारे सामने था, उनका करैक्टर हमारे सामने था, उनकी इंटेग्रिटी ऑफ करैक्टर सामने थी, उनके किरदार की तहारत हमारे सामने थी, उनके कौल की सच्चाई हमारे सामने थी, उनका आला किरदार, आला शख्सियत, सदाकत, तहारत, सिद्क, इखलास, पाकीज़गी, गुनाहों से पाक होना, ख़ताओं से पाक होना, ये सब रिकॉर्ड हमारे सामने था। वो इस काबिल थे कि उन पर एतमाद किया जा सके, आंखें बंद करके भी एतमाद किया जा सके। ऐसा अजीम उल मनसब रसूल तूने हम में भेजा, ये तेरा पहला एहसान था। और हम उसकी आवाज़ सुनने के काबिल थे, तेरी आवाज़ तो सुन भी नहीं सकते थे। एक बशर अल्लाह की आवाज़ कैसे सुने। तूने अपने और हमारे दरमियान एक वास्ता मुकर्रर किया, पहला एहसान। यही तो अल्लाह एहसान जिता रहा है। एक ऐसा रसूल उनके अंदर पैदा किया जिस रसूल की शख्सियत में दो गोशे हैं, दो डाइमेंशंस हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, दो डाइमेंशंस हैं। उस रसूल के अंदर दो किस्मों की मुनासबतें हैं, दो किस्मों की एबिलिटीज़ हैं, दो कैपेसिटीज़ हैं। उस रसूल के अंदर दो कैपेसिटीज़ हैं। एक कैपेसिटी, उस रसूल की शख्सियत को तूने ऐसा जामे बनाया कि उसमें आलम अम्र भी रखा है, उस रसूल की शख्सियत में आलम खल्क भी रखा है। और उस रसूल को ऐसा बनाया है कि वो तेरा कलाम रिसीव कर सकता है, वो तेरे भेजे हुए फरिश्ते को रिसीव कर सकता है, उस वही को अपने दिल में कबूल कर सकता है, समझ सकता है, दिल में समो सकता है, महफूज कर सकता है। तो रिसिपियंट है, उस एंड पर वो तेरे कलाम का वसूल कुनिंदा है, वसूल करने वाला है। जो हम न थे, ना हो सकते थे, ना हमारे अंदर ये सलाहियत थी, ना इस्तेदाद थी, कैपेबिलिटी थी, ना कैपेसिटी थी। हम ये वही लोग हैं जो इस कैपेसिटी से महरूम थे, महरूम हैं, और आज ईमान मिल जाने के बाद कहते फिरते हैं कि रसूल का कलाम और हदीस हुज्जत ही नहीं, फकत कुरान काफ़ी है। तुम कब से ठेकेदार बने हो कुरान के? तुम्हारा ताल्लुक़ कब से बनाया कुरान से? तुमने कब से कुरान को पहचाना है? क्या आज खुद कुरान तुम पर उतर आया है? क्या आज खुद कुरान की वही तुम पर आ गई है? क्या आज खुद जिब्राइल अमीन तुम्हारे ऊपर आ गए हैं? क्या खुदा ने डायरेक्ट तुम्हें खिताब कर दिया है? हमारे अंदर तो ये सलाहियत ही नहीं है। हम तब भी वही थे, आज भी वही। तो बारी ताला तूने एहसान किया कि अपना वो रसूल हमारे अंदर भेजा जो तेरे और हमारे दरमियान वास्ता और वसीला बन गया। हम उसी वसीले का आज इनकार करना चाहते हैं जो है रब करीम तेरे और तेरे बंदों, यानी हमारे दरमियान एक वास्ता बन गया, एक जरिया बन गया। और उसको तूने दो खूबियां अता की, दो सलाहियतें दी उसकी शख्सियत में। एक सलाहियत यह कि वो तेरे कलाम को वसूल कर सकता है जो हम नहीं कर सकते थे, उस नूर को वसूल कर सकता है। और नूर को वसूल करने के लिए भी नूर चाहिए, नूर हक को वसूल करने के लिए भी नूर चाहिए। मालाए आला से उतरने वाले कलाम को दिल में समोने के लिए भी मालाए आला से बेहतर दिल चाहिए। उस वही को अपने अंदर जज्ब करने के लिए जिस आलम से वही आई है उस आलम से भी बेहतर नूरानी जिस्म चाहिए, ताकि वो उसमें रिसीव कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। तो उस एंड पर उस रसूल ने तेरे कलाम को रिसीव किया। और दूसरा एंड, उसकी दूसरी कैपेसिटी ये थी कि मिनहुम, हम में से उठाया था उसे, हम में से मबूस किया था। तो इंसानी और बशरी खूबियां भी थीं, फकत नूर की नहीं थीं। उसको नूरानियत और बशरियत का मुरक्का बनाया था तूने, उसको नूरानियत और बशरियत का मजमुआ बनाया था। वह अपने नूर होने की कैपेसिटी में तेरा कलाम और जिब्राईल अमीन को रिसीव कर रहे थे, और बशरियत की कैपेसिटी में फिर वो हमें सुना रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, हम तक पहुंचा रहे थे। तो वो तुझसे भी जुड़ा हुआ था वो रसूल, और हमसे भी जुड़ा हुआ था। इसको रिसालत कहते हैं। उसका ताल्लुक और इत्तिसाल तेरी ज़ात के साथ भी था, और उसका ताल्लुक और इत्तिसाल हमारी ज़ात के साथ भी था। वो उधर से लेता था, इधर पहुंचाता था, इधर देता था। सो उसने हमें निदा की, फरिश्ते ने नहीं की, ये भी सुन लें। ये सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के माबैन हुआ। आका अलैहिस्सलाम उसके रिसिपियंट हो गए, उसके वारिस हो गए, उसके अमीन हो गए, उसके हामिल हो गए। जब उसके हामिल हो गए तो उसके बाद आगे फिर उन्होंने हमको निदा दी। हम सोए हुए थे, उठाया, उठो भाई उठो, ख्वाब गफलत से बेदार किया, हमारी आंखें खोल दी, हमें निदा दी। हमारे सर के कानों ने उसकी निदा को सुना, फिर हमारे दिलो दिमाग की कानों ने सुना। उसने हमें दिखाया, हमें सुनाया, हमें समझाया, मुजज़ात से भी दिखाया समझाने के लिए। ये सब कुछ तूने उसे इस काबिल बनाया था, ये खूबियां तूने उसके अंदर रखी थी, ताकि हम उस पर यकीन कर सकें। तूने उसे इस काबिल बनाया था। हम हर रोज 1000 बार उंगलियां हिलाते हैं, हमारी उंगली से दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता। और तूने उसे इस काबिल किया था हमारे यकीन के लिए, ताकि हम ईमान लाने वाले बन जाएं, कि वो उंगली का यूं इशारा करे तो 14वीं रात के चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, चांद का सीना चिर जाए। ये क्यों उसको ताकत दी थी, ये मौजज़ा क्यों दिया था? ताकि हम ये देख कर उसकी निदा को कबूल करने वाले बन जाएं, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले बन जाएं, और ईमान का सौदा खरीद लें। तूने इसे इस काबिल किया था कि वो पत्थरों को कहता था तो पत्थर उस पर सलाम पढ़ते थे, उस पर दरूद पढ़ते थे, उसका कलेमा पढ़ते थे। तूने उसे इस काबिल किया था कि उसकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट निकलते थे। तूने उसे इस काबिल किया था कि दरख्त को हुक्म देता था तो दरख्त ज़मीन का सीना चीर कर उसको सजदा रेज होते थे। ये सब कुछ अहादीस सहीहा में है, कोई ज़ईफ़ नहीं है बात, कुछ कुरान मजीद में, कुछ अहादीस सहीहा में। तूने उसे इस काबिल किया था कि डूबे सूरज को पलटा ले। अलगरज़ ये सारे मोजज़ात, कमालात, तसर्रुफ़ात, खैरात और बरक़ात और फ़ज़ाइल और अज़मतें और रिफ़अतें और सतवतें, ये सब कुछ तूने उसे अता की, हमारे लिए अता की। बारी ताला तेरा शुक्र है। ये तेरा वो रसूल इसलिए बहुत बड़ा एहसान था तेरा हम पर। वो हमें बुलाता था, तेरा पैगाम पहुँचाता था, निदा देता था। हम मुतरद्दिद होते थे कि बात माने या ना माने। तो कभी वो अपने 40 साल की ज़िंदगी दिखाता था, वो भी हमारी आंखों के सामने थी, जहां कोई ऐब का धब्बा दिखाई नहीं देता था। बेऐब ज़िंदगी, बेऐब किरदार, बेऐब सीरत। तो वहाँ भी हमें इत्मीनान होता था, ये तेरा एहसान था। कभी हम अचंबे की चीज़ें पूछते थे कि अगर ये आलम बाला से, अल्लाह से आई हुई वही है, तो कोई आलम बाला की निशानियां दिखा दे तो वो चांद चीर देता था। कोई अक्ल की सूझबूझ से बुलंद की चीज़ें दिखा दे तो वो मुजज़ात दिखाता था। ये सब कुछ तेरा रसूल इसलिए करता था और तूने उसे इस काबिल बनाया था, इन मुजज़ात का मंबा पैकर बनाया था, ताकि हम यकीन कर सकें। क्यों? ताकि हमें ईमान की दौलत नसीब हो। सो फिर हमने उसके निदा को सुना, समेना, उस मुनादी को, अल्लाह को नहीं सुना, अल्लाह के भेजे हुए उस मुनादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। मुनादियन, वो निदा दे रहा था, और निदा क्या थी? मेरे पास ईमान का सौदा है, इसके ख़रीदार बन जाओ, ले लो। अल्लाह तुम्हें नज़र नहीं आएगा कभी भी। अगर चाहो को देखें तो फिर रब को माने तो वही हश्र होगा जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ था। 70 के 70 लोग एक बिजली की कड़क में मर गए थे। रब को देख नहीं सकते तुम, तो तुम्हें वो नज़र नहीं आएगा, तुम्हें तो मैं ही नज़र आऊँगा। मुझे देखो, मेरी ज़ात को देखो, मेरे कमालात को देखो, मेरी सीरत को देखो, मेरी प्यारी नूरानी सूरत को देखो, मेरे अमल को देखो, मेरे अखलाक को देखो, मेरे तसर्रुफात को देखो, मेरी बरक़ात को देखो, मेरी सदाकत को देखो, मेरी तहारत को देखो, मेरे जमाल को देखो, मेरे कमाल को देखो, मुझे देखो। वो नज़र नहीं आएगा, उसे तुम नहीं देख सकते। सो हमने उसे देखा, फिर उसे सुना, हमें उसकी बात हमारे दिल को लभा गई, उसकी बात पसंद आ गई, हमारे दिल में उतर गई उसकी निदा। और हमने सुना वो कह रहा था, युनादी दिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम, अपने रब पर ईमान लाओ, जो तुम देख भी नहीं सकते, जिसको सुन भी नहीं सकते, जिसको छू भी नहीं सकते, जिसको चख भी नहीं सकते, जिसका इदराक भी नहीं कर सकते, जिसको अकल में भी नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम उसको समझने के लिए। वो समझ में आने वाला नहीं है, वो आंखों में बसारत में आने वाला नहीं है, वो समातों में आने वाला नहीं है, वो लम्स में आने वाला नहीं है, तुम्हारी जिस्मानी हिस्सी इस्तेदादों में आने वाला नहीं है। तुम्हें उसका बंदा बनाना चाहता हूं, तुम्हें उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं, उस पर ईमान चाहता हूं, ले आओ, मान लो वो है और एक है। तो कैसे माने? बारी ताला, अगर तूने वो मुनादी ना भेजा होता और उस मुनादी को ऐसा ना बनाया होता, इतना हसीन व जमील, इतना बाकमाल ना बनाया होता, तो शायद हम उस निदा को भी ठुकरा देते। तो तेरा एहसान कि तूने उसे भेजा और ऐसा बना के भेजा। फिर उसने हमें निदा दी, बुलाया, और उसकी आवाज़ हमारे दिलो दिमाग में उतर गई। हमने उसके ज़ाहिर व बातिन को देखा, उसके कमालात को देखा, हमने उसकी बात को मान लिया। अन आमिनू बिरब्बिकुम, उसको माना और तुझे बिन देखे मान लिया कि तू है। तुझे नहीं देखा था, ना सुना था, तुझे मान लिया कि तू है। कैसे मान लिया? कि वो है, वो जो सामने था, बस उसको देखा और तुझे मान लिया। अब उस रसूल की सुन्नत को की हुज्जियत का आप इनकार करते, फिर किस इस्लाम से आपका रिश्ता, किस ईमान के साथ आपका रिश्ता, किस कुरान के साथ आपका रिश्ता, और किस खुदा के साथ आपका रिश्ता? देखा उसे और माना तुझे, देखा तेरे महबूब को और मान तुझको लिया। फ़आमन्ना, यह आयत कहती है, फर्स हम ईमान ले आए। तो बोलिए, वो ईमान जिसके वसीले से मिला, तो बड़ा एहसान कौन सा हुआ? जिसके वसीले से ईमान मिला, जिसने ईमान तक पहुंचाया और जिसने हमें ईमान का सौदा दिया और हमें मोमिन बनाया, वही बड़ा एहसान हुआ। और वो पहला एहसान हुआ, और ईमान फिर दूसरा एहसान हुआ। आयत की तरतीब बता रही है ना, पहले ईमान नहीं आया। गौर से सुन लें, आज ईमान की ठेकेदारी करते हैं हम लोग, इस्लाम की ठेकेदारी करते हैं, कुरान की ठेकेदारी करते हैं, दावेदारी करते हैं। ईमान पहले नहीं आया, इस्लाम पहले नहीं आया, कुरान पहले नहीं आया, दीन पहले नहीं आया। आज जिसके ऊपर हम बहुत बड़े बड़े मुतकल्लिम बन के बातें करते हैं, इनमें से कुछ भी पहले नहीं आया। पहले कौन आया? इन्ना समेना मुनादियन, वो निदा देने वाला रसूल आया। अल्लाह पाक ने डायरेक्ट कोई सौदा हमें नहीं भेजा, उसने डायरेक्ट हमें बेचा ही नहीं सौदा, उसने कुछ भी हमें बराह रास्त नहीं दिया। क्या इस्लाम बराह रास्त दिया? क्या ईमान बराह रास्त दिया? नहीं। क्या कुरान बराह रास्त दिया? नहीं। क्या दीन बराह रास्त दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया बराह रास्त। उसने हमारे साथ तो बराह रास्त ताल्लुक ही नहीं पैदा किया, हमें बुलाया ही नहीं है, हमारी तरफ जिब्राईल अमीन को ही नहीं भेजा। अगर जिब्राईल को हमारी तरफ भेजकर हमें आवाज़ दी होती तो हम नबी ना हो गए होते। इसी को तो नबूवत कहते हैं। जिसकी तरफ वो जिब्राईल भेज दे और जिससे मुखातिब हो जाए, जिसको बुला के कलाम कर ले, वो नबी हो जाता है। हम में से कोई नबी नहीं है और न क़यामत तक कोई आएगा। अब हम क़यामत तक हम सब उस एक ही नबी के मोहताज हैं, एक ही नबी के एहसानमंद हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मा। तो पहले आका अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने निदा दी, उन्होंने हमें बुलाया, ईमान से रोशनास कराया, उनकी दावत पर आमन्ना, हम ईमान ले आए। तो जब ईमान तक हर चीज़ का इन्हिसार आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर है, तो हुजूर की ज़ात गिरामी के हर कौल को, दावत को, इरशाद को, फरमान को हुज्जत क्यों ना माना जाए। और अगर इसके हुज्जत होने का इनकार कर दिया जाए तो बोलिए फिर इस्लाम में कौन सी चीज़ हुज्जत बचती है, और उसके हुज्जत होने की हुज्जत क्या रहती है, उसके हुज्जत होने पर दलील क्या रहती है। फिर एक और आयत करीमा है, तफसील मैंने इसकी कर दी आपको, तशरीह कर दी, एनालिसिस कर दिया। अब एक और आयत करीमा इसी मजमून पे सुन लीजिए, वो सूरा अल-हदीद में है। सूरा अल-हदीद आयत नंबर 8, इरशाद फरमाया, वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह। अब ये आयत उससे भी ज़्यादा झंझोड़ने वाली है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है झंझोड़ कर। जैसे किसी के कान पकड़ के झंझोड़ा जाता है ना, ऐसे ऐसे इस तरह कर रही है। हमारी समाअत के, हमारे फहम के, अक्ल दानिश के कान पकड़ के आयत झंझोड़ रही है। वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह, पूछ रही है तुम्हें क्या है। कुरान कह रहा है तुम्हारा होश ठिकाने, तुम्हारी अक्ल कायम है, होश कायम है, क्या हो गया तुम्हें? तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, क्यों नहीं लाते अल्लाह पर ईमान? ये कुरान कह रहा है। वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। हालांकि वर रसूल यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम। सुभान अल्लाह, सुभान। हम बातें तो बड़ी करते हैं कि कुरान हुज्जत है, भाई कुरान को हुज्जत मानते तो कुरान की बात को मानते, कुरान को पढ़ते, कुरान को एक्सेप्ट करते। अगर कुरान हुज्जत है तो कुरान जो कुछ बता रहा है फिर उसे भी हुज्जत माने ना। हमारा तो सरासर इन्हिराफ है कुरान से। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं ईमान लाते अल्लाह पर। हालांकि देखो उस रसूल को, मेरे बरगुजीदा रसूल को, व रसूल यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम, वो तुम्हारे अंदर खड़े तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं। वो रसूल तुम्हारे सामने है, तुम्हें ईमान की तरफ बुला रहे हैं, ईमान का सौदा दे रहे हैं, तुम्हें रब पर ईमान लाने के लिए दावत दे रहे हैं। अब देखिए तो कुरान फिर यही कहता है कि अल्लाह पर ईमान लाने का मदार ही इस बात पर है कि दावत रसूल को कबूल किया जाए। तो ये बड़ी अजीब बात होगी कि हम कहें हमने दावत रसूल को कबूल कर लिया और बकाया आप फरामीन रसूल को नहीं करते। सुभान अल्लाह, ये तो फिर अपनी मर्ज़ी का दीन बन गया इस्लाम, अल्लाह का और उसके रसूल का दीन ना रहा कि दावत रसूल को जो कुछ रसूल ने कहा उसे कबूल कर लिया और ईमान ले आए। अब हमने कलमा पढ़ लिया है, अब हम रसूल की बाकी बातों को हुज्जत नहीं मानते, कबूल नहीं करते। तो ये तो हमारा अपना मनगढ़ंत तसव्वुर है, इसका कोई ताल्लुक कुरान और इस्लाम से, अल्लाह उसके रसूल से नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कायदा ये बयान किया है कि अल्लाह पर ईमान लाने का रास्ता ही एक है कि रसूल की दावत को कबूल करो। दावत क्या है? रसूल का कौल है, रसूल का अमल है, रसूल का इबलाग है, रसूल का इफ़हाम है, बात को पहुँचाना, समझाना, करके दिखाना। तो रसूल की बातों को कबूल करो तो अल्लाह पर ईमान लाओ। तो दरअसल इन अदर वर्ड्स अल्लाह पाक ये कह रहा है कि मेरे रसूल की हर बात को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं मानते? इन्हीं की बातों से तो मेरा ईमान नसीब होगा, इन्हीं के कौल को तस्लीम करने से ईमान नसीब होगा, इन्हीं के अमल को हुज्जत मानने से ईमान नसीब होगा, इनकी दावत और पुकार पर सरे नियाज खम करने से ईमान नसीब होगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान मजीद ने बड़ा एहसान कहा, अल्लाह का बड़ा एहसान, और एहसान ईमान का वाहिद ज़रिया भी कहा। अब इसी ज़िम्न में एक चीज़ और बड़ी खुसूसियत की हामिल। अब कुरान मजीद की एक और आया है करीमा, जो कि मैंने कहा कि हम इस सब्जेक्ट को सिर्फ कुरान से बयान करेंगे तो कि हमारी सोचें दुरुस्त हो सकें। और ये दावा करने वाले कि सिर्फ कुरान हुज्जत है, उन्हें पता चले अगर कुरान हुज्जत है तो कुरान कहता क्या है। क्या हम उसको मानते हैं? मानते अपने ढकोसलों को हैं, इल्मी ढकोसले, फिक्री ढकोसले, फलसफियाना ढकोसले, मंतकी ढकोसले, हमारे ढकोसलों की किस्में हैं। मानते अपने ढकोसलों को हैं और दावा करते हैं बस कुरान हुज्जत है। ये कुरान के साथ मजाक है। कुरान हुज्जत है तो कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए और जानिए कुरान क्या कह रहा है और कुरान किस शय को हुज्जत करार दे रहा है। अब अगली आयत करीमा जो इस वक्त कोट कर रहा हूँ, वो इरशाद फरमाया बारी ताला ने, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैक। अब ये भी जान लीजिए कि हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी से क्या ताल्लुक़ है और कुरान से क्या ताल्लुक़ है, ये भी सुन लीजिए। हमारा रसूल का क्या ताल्लुक़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारा और कुरान का क्या ताल्लुक़ है। और कहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी, आपकी दावत, आपका कौल, आपका अमल, आपकी सुन्नत, आपकी हदीस और आपका इरशाद और फरमान, कहाँ उसकी जगह है और कहाँ कुरान की जगह है। इनके ताल्लुक़ को समझिए। फरमाया किताबुन अनज़लनाहु इलैक अलिफ लाम रा, ये किताब है, कुरान है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसे आपकी तरफ नाजिल किया। यहाँ से एक नुक्ता समझाना चाहता हूँ। लोगों को मुखातिब नहीं किया या अय्युहन्नास किताबुन अनज़लना इलैकुम, ये नहीं कहा ऐ लोगो ये हमारी किताब है कुरान, हमने तुम्हारी तरफ उतारी है। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा ताकि हम 30 मार खान न बने। ये नहीं कहा अय्युहन्नास किताबुन अनज़लना इलैकुम, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ उतारी है। नहीं, एक जामे मज़मून के तौर पर, जामे मज़मून के तौर पर फरमाया ये किताब है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनज़लनाहु इलैक, हमने आपकी तरफ उतारी है। इसके हामिल वारिस मेरे महबूब आप हैं, आपकी तरफ उतारी है। क्यों? अब आगे एक लफ्ज़ आ रहा है कुरान मजीद का बड़ी तवज्जो से समझने वाला। फरमाया लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूर, ताकि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल गरामी, ताकि आप लोगों को गुमराहियों की, गुमराही के अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाएं। तो कुरान का फैसला आ गया। किताब यानी कुरान ऐ रसूल गरामी, हबीब गरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ उतारी। ये हमारा पैगाम है, हमारा नूर है, हमारी तालीमात का मजमुआ है, हमारी हिदायत का ज़ख़ीरा है, हमने आपकी तरफ उतारा है। और उतारा क्यों है? लोगों को गुमराही से निकाल के हिदायत की तरफ कौन ले जाएगा? गुमराही के अंधेरों से निकाल के हिदायत की रोशनी की तरफ कौन ले जाएगा? वो बयान लितुखरिजा, ताकि आप निकालें लोगों को, ले तुखरिजन्नास, लोगों को आप निकालना आपका काम है। मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूर, गुमराही और दलालत की अंधेरों से निकाल के हिदायत के नूर की तरफ, रोशनी की तरफ ले जाना मेरे हबीब ये आपका काम है। हमने कुरान आपकी तरफ भेजा, आगे आपका काम है कि आप फिर लोगों को गुमराही से निकाल के हिदायत की तरफ ले जाएं बिइज़्न रब्बिहिम, अल्लाह के, उनके रब के इज़्न के साथ। ये अल्लाह का इज़्न है जो अल्लाह के रसूल को मिला है। बिइज़्न रब्बिहिम, ये अल्लाह का इज़्न है जो अल्लाह के रसूल को मिला है। ये कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास है और इसलिए उतारा गया है ताकि इस कुरान के ज़रिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्न इलाही से गुमराहियों के अंधेरों में भटकने वाली इंसानियत को उसमें से निकालें और कुरान, इस्लाम और हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाएं, रोशन शाहराओं पे गामजन कर दें। बेज़न रब्बिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, अल्लाह की जो अज़ीज़ व हमीद है उस अल्लाह की राह की तरफ ले जाएं। तो अल्लाह की राह पर चलाना भी रसूल का काम, अल्लाह की राह की तरफ बुलाना भी रसूल का काम, अंधेरों से निकालना भी रसूल का काम, रोशनी में डालना भी रसूल का काम, और राह हक पर बुलाना भी रसूल का काम और राह हक पर चलाना भी रसूल का काम। उसी रसूल की सुन्नत को हम कह रहे हैं कि हुज्जत नहीं मानते, कुरान काफ़ी है। कुरान तो अता है, अल्लाह ने रसूल को अता किया, रसूल ने उम्मत को अता किया अल्लाह के बिहाफ पर, बेज़ने रब्बें, अल्लाह के इज़्न से। कितनी अजीब बात है कि जो अतिया और हदिया दिया, हिदायत का ज़ख़ीरा दिया, हम कहें वो हुज्जत हो गया और देने वाला हुज्जत नहीं है। इतनी बेवफाई कभी नहीं देखी किसी कौल में। हम इतने बेवफा हो जाएं तो अल्लाह पाक धुतकार देगा, वो कहेगा दफ़ा हो जाओ, हो तुम कौन, तुम मेरे कब से बने हो, तुम मुझे कब से जानते थे, तुम मुझे कब से पहचानते थे, मैंने तुम्हारी तरफ तो नहीं कुरान भेजा था, तुम पर तो जिब्राइल को नाजिल नहीं किया था, मैंने तो तुम्हें मुखातब ही नहीं किया था। हत्ता कि जब मुझे अपनी वहदत, अपने एक होने का पैगाम देना मकसूद था कि तुम मुझे एक मानो, तो तब भी मैंने तुम्हें एड्रेस नहीं किया, चूंकि मैं जिसको एड्रेस कर लूँ वो तो नबी हो जाता है। तब भी मैंने अपने महबूब से कहा था नबी बनाकर, कुल, कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, के अल्लाह एक है। मैंने अपने नबी से, महबूब से कहा था, मेरे महबूब आप इनको बता दीजिए कि मैं एक हूं, अल्लाह एक है। मैंने तुमसे खुद नहीं कहा बंदों को मुखातिब करके कि या अय्युहन्नास अना रब्बुकुम वाहिदुन ला शरीका ली अनस्समद वलैसा ली कुफुवन। मैंने ये बातें आपसे तो की नहीं लोगों को, तुम्हारे तो कान ही वो नहीं जो मेरी बात को सुने और मेरे जिब्राइल की बात को रिसीव करे। मैंने तो सब अपने महबूब से कहा और उनसे कहा कुल, मेरे बिहाफ पर आप इनसे कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। इसी तरह अगली आयत करीमा सूरा अशूरा में, ये जो आ रही है सूरा अशूरा, उसकी आयत नंबर 52 और 53 है। फिर उसमें इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को खिताब किया जा रहा है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम सिरातिल्लाहि अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी शान है, आपकी, लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, कि सीधी राह की तरफ यकीनन आप ही हिदायत देते हैं। सीधा रास्ता यकीनन आप ही दिखाते हैं, यह शान आका अलैहिस्सलाम की है। और अब हम ये कहें कि वो जो सीधी राह उन्होंने दिखाई उसमें से एक कुरान को लेकर वो हुज्जत है, बाकी कुछ भी हुज्जत नहीं। हत्ता कि राह दिखाने वाला पैगंबर, उनका कौल व अमल और हदीस व सुन्नत भी हुज्जत नहीं। इससे बड़ा भी कुफ्र और बेवफाई और दीन के साथ धोखाधड़ी कोई और होगी? और जब हदीस की बात आ जाए कि छोड़ो जी छोड़ो, ये हदीसें तो बहुत ऐसे ऐसे, जहालत है, छोड़ो हदीस को, कुरान की बात करो। कोई चीज़ हदीस से बयान करने लगे, छोड़ें, और हदीसों का क्या है जी, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप कुरान की बात करो। ये कह के दीन के गले पर छुरी चला रहे हैं आप, ज़िबा कर रहे हैं दीन को और पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, छोड़ो छोड़ो फरिश्तों को, इन बदबख्तों को फेंको जहन्नुम में, इनका न मुझसे कोई वास्ता। ये कहते थे हम रसूल की बात को हुज्जत ही नहीं मानते, बस कुरान आ गया हमारे पास, कुरान काफ़ी है, हम रसूल की बात को हुज्जत ही नहीं मानते। तो इसने, किसने इनको कुरान पहुंचाया था, किसने कुरान समझाया था, किसने कुरान पढ़ाया था, किसने कुरान पर अमल करके दिखाया था, किसने कुरान का बयान किया था, किसने कुरान की तशरीह की थी, किसने कुरान की ताबीर की थी। वो सब कुछ भूल गए, कहते वो हुज्जत नहीं है, बस कुरान काफ़ी है। अब हमारा दिमाग और कुरान जो हमारी समझ में आएगा वो तर्जमा करते जाएंगे, वो माना करेंगे, वो ताबीर करेंगे, वो तशरीह करेंगे और दीन का एक मजाक बना के रख देंगे। तो अल्लाह पाक ने तो आका अलैहिस्सलाम को कैटेगोरिकली कह दिया कि बेशक आप ही हैं मेरे हबीब जो राह मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाते और राह दिखाते हैं। और दूसरे मुकाम पर फरमाया सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 73 उसमें फरमाया था, वो पहले ही मजमून का जिक्र है मगर बाल्फाज दिगर फरमाया व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप ही हैं जो इन्हें सीधी राह की तरफ दावत देते हैं, आप ही हैं जो इन्हें राह हक की तरफ बुलाते हैं। यहां बयान किया राह हक की तरफ बुलाने वाले आप हैं, तदऊहुम। और ऊपर की आयत जो सूरह शूरा की आयत नंबर 52-53 उसमें फरमाया इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, आप हिदायत अता करते हैं सीधी राह की, आप इनको सीधा रास्ता दिखाते हैं, दावत भी देते हैं, दिखाते भी हैं। तो ये सारी शानें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान की। अब इन तमाम आयात को सामने रखें तो अगली नशिस्त में हम इंशाअल्लाह तआला इस मजमून को आगे कुरानी हवालों से आगे ले जा रहे हैं, मगर इसका नटशल खुलासा ये हुआ कि जब हिदायत देने वाले, हिदायत सीधी राह दिखाने वाले, सीधी राह की तरफ बुलाने वाले, ईमान का सबब बनने वाले, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने समझाने वाले, ये सारी नेमतें और गुमराही से नूर की तरफ ले जाने वाले और अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने वाले, जलालत से हिदायत की तरफ ले जाने वाले, लितुखरिजन नास, ये सब शानें अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अता की। तो उस रसूल की सुन्नत को, हदीस को, कौल व फ़ेल को, उसवा को और हयात व सीरत को अगर हुज्जत नहीं मानना और उसको तारीख़ बना देना है और कह देना है वो उस दौर के लिए थी, तो फिर हमारे दौर के लिए माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई और मंबा बन जाएगा, गुमराही से हिदायत की तरफ ले जाने का सबब कुछ और होगा, अंधेरों से नूर की तरफ ले जाने वाला कोई और होगा, ईमान की दावत देने वाला कोई और होगा। नहीं, ये हुक्म जो शाने आका अलैहिस्सलाम को मिल गई ये ता क़यामत हर उस शख्स के लिए जो कि तू कायम है जो हुजूर की दावत को कबूल करता और ईमान लाता है और मोमिन कहलाता है और हुजूर का उम्मती है। तो आज की गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसी मौजू को इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में जारी रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बला।